नमस्कार, मैं सनी सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, आज के समय कोरोना महामारी जैसी बीमारी से आज हमारा पूरा विश्व लड़ता हुआ आ रहा है और लड़ता है, और ऐसे ही काफी नुकसान भी हुआ है रोजगारों में। ऐसे ही हमारे बीच में प्रोटेक्शन सर राजू जी मौजूद है, जो कि संडे आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन पेश किया था। तो राजू जी सर, आपका यहाँ पे जो प्रोटेक्शन चल रहा है, इसके अंदर आपको क्या नुकसान हुआ है और क्या नहीं हुआ है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में फिल्म ऐतिहासिक धरोहर को देखते हुए बहुत ही फिल्म यूनियन के लोग आते हैं। मुंबई से हॉलीवुड की भी बहुत पिक्चरें अपने राजस्थान में शूट हुई है, तो उसके जुड़े हुए बहुत ही 18 से 20 हजार लोग अपने राजस्थान में काम करते हैं फिल्म से। तो उसकी को देखते हुए आज हमने ऑल इंडिया सिने वर्कर्स के नेतृत्व में, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट संजय चतुर्वेदी के नेतृत्व में और स्टेट जनरल सेक्रेटरी अनिरुद्ध सिंह कनेचा के नेतृत्व में और जोधपुर प्रेसिडेंट दुष्यंत सिंह जी के नेतृत्व में हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे भी काम धंधा भी छिल चुका है। 18 से 20 हजार लोग राजस्थान में बेरोजगार हुए हैं जो फिल्म लाइन का काम करते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमें भी नई गाइडलाइंस दी जाए और सरकार की जो गाइडलाइंस बनेगी उसके ही पालना के हम काम करेंगे। तो सरकार हमारा भी थोड़ा ख्याल रख के थोड़ी ऐसी गाइडलाइंस बनाए कि जो लोग फिल्म लाइन से काम करते हैं तो उनका भी रोजगार मिल जाए। आज उनका भी घर में चूल्हा जलता है, उनके भी बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सबका अपना अपना फंडा होता है। सरकार को इस थोड़ा फिल्म लाइन वालों का भी सोचना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस पर ध्यान दे। जी सर, जैसा कि आपने ये जो ज्ञापन आज जोधपुर में जिला कलेक्टर साहब को दिया, सर ऐसे ही आपने किस स्टेट में दिया और कहाँ कहाँ पे दिया? सर, हमारी टीम हर स्टेट में अलग अलग जगह मौजूद है। ऑल इंडिया सिनर वर्कर्स के नेतृत्व में हमने उदयपुर की टीम ने भी उदयपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया सीएम के नाम से, और जयपुर में भी दिया है, जैसलमेर में भी दिया है, ओसीआईएसडी में भी दिया है, सब जगह मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग टीमों ने दिया है ये सारा लाइन। सर, जैसा कि आपके साथ में आपके प्रोडक्शन लाइन के अंदर आपके साथ में कितने लोग आपसे जुड़े हैं? सर, आज हमने कम से कम, क्योंकि अभी कोरोना महामारी तो ज्यादा भीड़ कर नहीं सकते, तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हम 5 से 7 लोग कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे। तो मेरे साथ है जोधपुर के लाइन प्रोड्यूसर अमीन सोलंकी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर अख्तर खान और स्पॉट का काम करने वाले आसिफ भाई और आर्ट डायरेक्टर रिजवान खान, हम सब लोग गए थे और कास्टिंग रौनक भी था हमारे साथ में। हम सब लोग मिलकर गए और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसका आपके बारे में भी बात करेंगे। जी, ऐसे ही सर के साथ में एक पूरी टीम है, जैसा कि सर ने अभी सबका नाम बताया, तो ऐसे ही सर अपनी फिल्म प्रोडक्शन लाइफ को वापस शुरू से आगे लाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार संडे आज अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंप दिया। और ऐसे ही मैं छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके बीच में आता रहूंगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे नमस्ते राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।